वफाकी वज़ीर दाखला अहसन इकबाल और सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ से अलग अलग मुलाकातें की हैं। वज़ीर दाखला अहसन इकबाल ने अमरीकी वफद पर जोर दिया कि पाक अमरीका ताल्लुकात की बुनियाद सिक्योरिटी के साथ साथ तरक्की में शराकत दारी की बुनियाद पर भी होनी चाहिए। वज़ीर दाखला अहसन इकबाल ने कहा कि अमरीका और पाकिस्तान में हम आहंगी दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए नहायत अहम है। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक लेजर क्रेट्स ने पाकिस्तान का हंगामी दौरा किया और दफ्तर खारजा में सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ से पाक अमरीका ताल्लुकात और दो तरफा तामुन के अमूर पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी वफद ने ऐसे मौके पर दौरा किया है जब एक हफ्ता कबल अमरीका ने पेरिस में फाइनेंशियल टास्क फोर्स के इजलास में पाकिस्तान को दहशतगर्दों के लिए माली मुआवनत करने वाले ममालिक की वॉच लिस्ट में रखने की करारदाद पेश की थी। पाकिस्तान को इस फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया, ताहम रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान को जून तक मोहलत दी गई है, जिसके बाद मामले का अरसर नो जायजा लिया जाएगा। इलावा से इस्लामाबाद में स्पेस टेक्नोलॉजी ऑन वाटर मैनेजमेंट पर चौथी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर दाखला अहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान अक्वामे मुत्तहिदा की करारदाद पर अमल दरामद का पाबंद है, इसलिए जमातुद दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन पर पाबंदी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। Please subscribe to HumSub.TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching HumSub.TV.